हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बीट्स की। तो ये भी साउंड का इंटरफेरेंस का ही केस है। हमने पहले भी इंटरफेरेंस पढ़ा है, लेकिन जब हमने पहले इंटरफेरेंस पढ़ा था उस वक्त हमने सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, है ना। मतलब उन्हें क्या कहते थे अपन, कोहेरेंट सोर्सेस। इस बार जो इंटरफेरेंस का केस पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए। मतलब सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी। तो आइए काम शुरू करते हैं। जैसे मान लें आप कि दो सोर्सेस हैं S1 और S2। S1 सोर्स ने जो वेव जनरेट करी है, मान लो इसकी इक्वेशन है Y=A1 sin ω1t + k1x। और दूसरी सोर्स S2 ने जो जनरेट करी सोर्स वेव, वो है Y=A2 sin ω2t + k2x। मान ले दो सोर्सेस हैं, आप देख लो दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं। ओमेगा वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, सेवन ओमेगा वन ओमेगा टू ये अलग अलग हैं। इसके पहले जो इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, वहां फ्रीक्वेंसी सेम ली थी, यानी ओमेगा ओमेगा। तो इस बार ये सोर्सेस, ये कैसी सोर्सेस कहलाती है, इनकोहेरेंट सोर्सेस। मान लो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पे वेव पहुंचेगी S1 से भी और ये पहुंचेगी वेव S2 से भी। क्लियर अबाउट ये? मान लो S1 से वेव ट्रेवल करके आ रही है ये X1 और यहां से ट्रेवल करके आ रही है ये S2 डिस्टेंस। तो पॉइंट पी पे, जो पॉइंट पी है, इसके पास दो वेव्स आ रही हैं S1 से भी और S2 से भी। तो S1 से जो वेव आएगी वो पॉइंट पी वाले पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देना चाहेगी Y1=A1 sin ω1t + k1। कितना ट्रेवल करके आई है X1, तो +k1 x1। ये तो P वाले को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा S1 के मुताबिक ये Y1, और S2 के हिसाब से ट्रेवल करके आई वेव X2, तो P को दूसरी मिलेगी डिस्प्लेसमेंट Y2=A2 sin ω2t + k2। और ये कितना डिस्टेंस है, x2 है, यहां रख दें x की जगह x2। ये दोनों वेव्स पहुंची पॉइंट P पे। अब इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसा है, उसी आधार पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होंगे, है ना। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना होगा, इस वाले वेव का फेज कितना है ω2t + k2x2। ओवरऑल ये दूसरी डिस्प्लेसमेंट पहली इसकी वजह से कितनी है ω1t + k1x1। तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन, तो आओ निकालते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट पी। तो ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, घटा दो इसके फेज, इसका फेज घटा दो, ω2t - ω1t, ω t कॉमन कर दूं मैं, ω2 - ω1 × t प्लस k2x2 - k1x1 ये है फेज डिफरेंस। अब ध्यान देना जरा, मैक्सिमा के लिए हमने पहले पढ़ रखा है फेज डिफरेंस होना चाहिए 2nπ, और मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n + 1π। ये इंटरफेरेंस वाले वीडियो में, वेव वाले में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, जिसमें हमें डालनी वो अलग ही टॉपिक है। ये कंडीशंस हमने डिराइव कर रखी हैं। तो आप पहली बात कुछ चीजें अगर नोटिस करें, अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ, मैंने दो ली इनकोहेरेंट सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी थी डिफरेंट, ω1 ω2। इन दोनों सोर्सेस की वजह से पॉइंट पी पे अगर इंटरफेरेंस हुआ, तो पॉइंट पी पे जो फेज डिफरेंस निकालोगे वो आएगा इतना। क्या ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं, टाइम के साथ चेंज करेगा। फेज डिफरेंस क्या है? टाइम डिपेंडेंट। तो पहली चीज नोटिस हो रही है कि फेज डिफरेंस जो पॉइंट पी पे मिल रहा है वो है फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप देखें कि जो फेज डिफरेंस है टाइम डिपेंडेंट है, अगर तो कभी मान लो कि फेज डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2π, तो मैक्सिमम मिलेगा, फिर होगी 3π। ऑड मल्टीपल पे क्या मिलता है फेज डिफरेंस का? मिनिमम। और इवन मल्टीपल पे क्या मिलता है? मैक्सिमम।
तो मान लीजिए फेज डिफरेंस की वैल्यू हो गई 2π, तो मिलेगा मैक्सिमा, 3π तो मिनिमा, 4π तो मैक्सिमा, 5π तो मिनिमा, मतलब अल्टरनेटली मैक्सिमा मिनिमा मिलते रहेंगे लिसनर को पॉइंट पी पे जो खड़ा होगा, मतलब कि अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा विल अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान देना, तो दो इनकोहेरेंट सोर्सेस की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इंटरफेरेंस हुआ तो उसे इंटरफेरेंस का नतीजा ये निकलेगा कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी मैक्सिमा है तो सर्टेन टाइम के बाद मिनिमा, उतनी टाइम के बाद वापस से मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा लगातार आपको मिलता रहेगा। इसी कहते हैं बीट्स अपन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बीट्स, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बीट्स। ध्यान देना, अब मैक्सिमम मिनिमा लगातार मिलता रहेगा आपको, तो हो सकता है कि मिनिमा पे अपन रिस्पॉन्ड ना करें, मिनिमा वाले साउंड की इंटेंसिटी इतनी कम हो कि शायद अपने को सुनाई ना दे, लेकिन मैक्सिमा तो डेफिनेटली सुनाई देगा। तो जो इंसान का कान है वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड किस पे करेगा, मैक्सिमा पे। तो ह्यूमन ईयर विल रिस्पॉन्ड टू मैक्सिमा, ये श्योर शॉर्ट केस है कि ह्यूमन इंसान के कान को मैक्सिमा वाली साउंड वो तो डेफिनेटली सुनाई देगी ही। तो जो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा जो सुनाई देगा आपने को, उसके बीच का जो टाइम है ना उसी को बोलते हैं अपन बीट फ्रीक्वेंसी, बीट टाइम पीरियड, या यूं कहूं मैं कि एक सेकंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे अपने को उसे बोलते हैं अपन बीट फ्रीक्वेंसी। इसे भी चाहे तो आप लिख लें, नंबर ऑफ मैक्सिमास हर्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे अपने को उसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक सेकंड में 10 से ज्यादा मैक्सिमा होंगे तो अपन से समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे ढंग से। जैसे मैं बोलूं बूम, तो एक सेकंड में एक बार बूम बोलूं तो अच्छे समझ लोगे आप, एक सेकंड में दो बार बोले बूम बूम तो आपको सुनाई देगा, समझ में आएगा कि यार दो बार बूम बूम बोला, चार बार बूम बूम बूम, अगर चार बार बोलो तो भी समझ में आएगा आपको, लेकिन लगातार बूम ऐसा बोलूं लगातार तो अगर 10 से ज्यादा बार बोलूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है। तो इंसान का जो कान है जो ऐसा स्ट्रक्चर्ड है किसी वो कोई भी साउंड का इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है इंसान के कान में, 1/10 of a second। तो एक सेकंड में 10 से ज्यादा मैक्सिमा साउंड आएंगे तो इंसान का जो कान है वो सुन नहीं पाएगा, उसे एनालाइज नहीं कर पाएगा। आपने पहले पढ़ा होगा कि कोई भी साउंड जो अपने कानों पे गिरती है उसका इफेक्ट होता है 1/10 of a second, इसलिए एक सेकंड के 10वें हिस्से तक उसका असर बरकरार रहता है। इस दौरान कोई दूसरा साउंड आ जाए तो उसे आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड में कितने मैक्सिमा सुने आ सकते हैं, 10। क्लियर है, एक मैक्सिमा एक बार 10 सेकंड के बाद दूसरा, एक मैक्सिमा का इफेक्ट कितने देर तक रहेगा, 0.1 सेकंड तक, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 10 मैक्सिमा आएंगे एक सेकंड में तो बंदा सुन सकेगा। इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी मोर देन 10, वरना अपन सुन ही नहीं पाएंगे उसको, शुड नॉट बी मोर देन 10। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये कुछ बेसिक जानकारी कि बीट्स होती क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या, बीट टाइम पीरियड मतलब क्या हो गया, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में कितने मैक्सिमा, और एक सेकंड में कितने मैक्सिमा अपन सुन सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 10। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कान जो बनाया है ऊपर वाले ने वो ऐसा बनाया है कि कोई भी साउंड का इफेक्ट मैक्सिमम मिनिमम 1/10 of a second तक रहता है, एक सेकंड के 10वें हिस्से तक। तो एक सेकंड में ज्यादा ज्यादा 10 मैक्सिमा वाले साउंड सुन सकोगे आप।
तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन बीट्स के बारे में। अब हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और इसके फॉर्मूले और डेरिवेशन वाले पार्ट पे काम करते हैं। तो जल्दी से आप तब तक चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे सारा नोट कर लें। अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए काम करता हूं मैं एक पार्टिकल मानो ओरिजिन पे, फॉर एनालिसिस कंसिडर द पार्टिकल एट ओरिजिन, कंसिडर अ पार्टिकल एट ओरिजिन, मतलब x1 x2 ये दोनों जीरो फेज डिफरेंस में, मतलब ये आपका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा पाई, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया तो कितनी आगे वैल्यू में कट, जरूरी नहीं कि इसको जीरो करें, जीरो कर दोगे तो एनालिसिस आसान होगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी, तो डेल्टा पाई इज इक्वल टू आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी, ये आएगा फेज डिफरेंस। तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हमने पढ़ा अभी कि इंसान का जो कान है वो मैक्सिमा पर रिस्पॉन्ड करेगा, वो सुनाई देगा श्योर शॉट से, तो मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा पाई 2n पाई, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई। तो फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें अगर, तो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब कि डेल्टा n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो मतलब यहां से आ गया डेल्टा पाई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पाई आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, टाइम को टी वन बोल देता हूं टी वन, तो यहां से आगे वैल्यू टी वन इज इक्वल टू जीरो, तो टी वन इज इक्वल टू जीरो पे मिलेगी आपको पहली मैक्सिमा। अच्छा दूसरी मैक्सिमा चाहिए तो सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एन इज इक्वल टू आकर तो 1, एन इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो फेज डिफरेंस डेल्टा पाई है अगर 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, फेज डिफरेंस है आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, सेकंड मैक्सिमा का टाइम निकाल रहे अपन इसलिए टी को लिख देता हूं मैं टी टू इज इक्वल टू 2 पाई, तो टी टू इज इक्वल टू आ गए यहां से 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये सेकंड मैक्सिमा का टाइम। पहले बोलो कि थर्ड मैक्सिमा का टाइम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात निकालो। थर्ड मैक्सिमा का टाइम चाहिए n इज इक्वल टू रख दो 3, फर्स्ट का निकालना सेकंड का निकालना, अभी इसी इतने वाले पार्ट में कर देता हूं मैं। थर्ड मैक्सिमा n इज इक्वल टू 2 रखोगे, n इज इक्वल टू 2 तो डेल्टा पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई, देखो फेज डिफरेंस 0 तो पहला मैक्सिमा 2 पाई, तो दूसरा मैक्सिमा 4 पाई, तो ये पाई की इवन मल्टीपल्स, तो फेज डिफरेंस क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी 3 मान लो 4 पाई, तो टी 3 इज इक्वल टू आ गया 4 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये थर्ड मैक्सिमा का टाइम। आप देख लीजिए दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो टाइम है वो फिक्स है, सेकंड फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का टाइम डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से ये घटाओगे तो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, थर्ड और सेकंड मैक्सिमा के बीच का टाइम निकालेंगे तो 4 पाई माइनस 2 पाई घटाओगे फिर वही आएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा वो फिक्स है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बीट टाइम पीरियड, वही आपका बीट टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इसका मतलब क्या हो गया, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो टाइम है उसे अपन क्या बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, मतलब ये आ गया टी बी बोल दू बी फॉर बीट्स, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा कोई भी दो उठा लो टी टू माइनस टी वन, तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आ गई यहां से 2 पाई बाई जीरो घटाओ तो ही आएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस 0,
अब मुझे इधर का पार्ट मिटाना पड़ेगा, जल्दी से आप नोट कर लिए इसे। अब घटा दिया हमने यहां से, तो बस अब कहानी खत्म है, फॉर्मूला डिराइव हो ही गया। मैंने सोचा था कि उतनी सी जगह में मैं पूरा कर लूंगा, लेकिन वो जगह पूरी नहीं पड़ी। अभी यहां पे आओ, चलो ध्यान दो, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आ गई। तो यहां से टाइम पीरियड ऑफ बीट्स को लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कोई कमाल की चीज नहीं लिख रहा हमें। ओमेगा टू को चाहे तो लिख सकते हैं 2 pi f2। यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f होता है ना, तो ओमेगा 2 की जगह पे 2 pi f2, ओमेगा 1 की जगह 2 pi f1। 2 by 2 by कॉमन लेके काट दोगे तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आ गई यहां से 1 by f2 minus f1। मतलब पहली वाली जो सोर्स थी s1 उसकी फ्रीक्वेंसी f1, दूसरी सोर्स s2 उसकी फ्रीक्वेंसी f2। तो ये रही टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का टाइम। तो किसी सेकंड में से फर्स्ट का टाइम घटा दो या थर्ड में सेकंड का टाइम घटा दो, बात तो वही आनी है। बीट फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई, टीपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा f2 minus f1। ये है आपकी बीट फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे मतलब कि बड़ी सीधी सी बात है ये, मतलब मामला जितना कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा हो, अगर आप बिगिनर हैं तो पहली बार बीट्स पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो मामला जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एग्जैक्टली ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब क्या हो गया कि सीधे जो दो सोर्सेस हैं आपके सामने उनके फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस। तो लगता है सोच के क्या रही यार, इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है, इसके सवाल क्या अच्छा कुछ बन सकता है, तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले अपन कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, उसके बाद बीट्स का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लें, हम पहले कुछ इलस्ट्रेशंस देख लें बीट्स वाले, जल्दी से नोट कर लें। अब आइए सर्टेन इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस हैं, हर किताब में आपको मिलेंगे, जे की पुराने पेपर में भी आए हैं। तो पहला सवाल, ये दो सब क्वेश्चन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। सब दो फॉक्स हैं, 4K 4B, 4K की फ्रीक्वेंसी 300 Hz। कह रहे हैं कि इनिशियली जो बीट फ्रीक्वेंसी है, शुरुआत में दोनों के बीच जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 Hz। 5 Hz की फ्रीक्वेंसी है, फॉक बी की फाइलिंग कर दी, मतलब छील दिया उसको, मतलब चमका दिया थोड़ा सा उससे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसके। फिर फॉक बी की फाइलिंग कर दी हमने तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है 8 Hz। तो बोल रहे कि इनिशियली फ्रीक्वेंसी कितनी थी फॉर्क बी की, देखो ट्यूनिंग फॉर्क ए इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है 500 300, और ट्यूनिंग फॉर्क बी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। तो शुरुआत में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 Hz है, मतलब या तो बी की फ्रीक्वेंसी होगी 300 pi, तो 305 और 300 का डिफरेंस 5 मिलेगा, या 295 तो भी 300 और 295 का डिफरेंस 5 मिलेगा, क्योंकि इनिशियली बिट फ्रीक्वेंसी 5 Hz है। बिट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी का बिकट, दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। तो इसलिए बी की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है 295 Hz या तो 305 Hz, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 5, इन दोनों का डिफरेंस भी 5। अब फाइलिंग कर देंगे है ना, तो आफ्टर फाइलिंग फाइल करने के बाद किस बी को फाइल किया ना हमने, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, अगर ये जो फॉर इसे चमका दोगे, इसे एकदम परत परत हटा दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसकी, कितनी बढ़ेगी नहीं पता। ये तो श्योर शॉट है ना कि दोनों में से कोई एक करेक्ट है फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसी का फैसला करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। तो फाइलिंग करेंगे, अगर आप चमकाएंगे फॉर को अगर, तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो मान लो कि 295 का बढ़ के हो गया 297, मान लेते कि 2 Hz बढ़ गई, और 305 का अगर ये होता तो इसका बढ़ के हो गया 307 Hz। ध्यान दीजिए कि फाइलिंग करने के बाद कॉर को छील लेने के बाद कॉर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मान लेते हैं कुछ भी मान लो आप, 2 Hz बढ़ गई तो 297, अगर ये होती तो ये हो जाता, ठीक है। अगर ये 297 होता तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 300 में से 297 घटा दे तो कितना होता, 3 होता, 3 Hz।
पहले बिट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, पहले बिट इनिशियल जो बिट फ्रीक्वेंसी है BF, बीट फ्रीक्वेंसी समझना भाई, इनिशियली है 5 हर्ट्ज और बीट फ्रीक्वेंसी फाइनल कितनी है BF, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी है फाइनल कितनी है 8 हर्ट्ज। क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक बीट फ्रीक्वेंसी 5 से 8 बड़ी है। अगर 295 अगर करेक्ट होता तो इसकी बड़ी बड़ी तो 297 और अब घटाओगे तो 3 हर्ट्ज आएगा, मतलब घट रही है आपकी वैल्यू, जबकि बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए। अगर ये लेते तो 307 में से 300 बढ़ा दे तो 7 हर्ट्ज, 5 से पहले 5 था तो 5 से बढ़ता है ना, इसका मतलब के ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी इसमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 300 में से 297 घटाओगे 3, जबकि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, 5 से 8 होनी चाहिए है ना, इसलिए ये करेक्ट है। तो 2-2 हर्ट्ज मैंने आपको समझाने के लिए बढ़ा दिया, आप 2-3 कुछ भी बढ़ा के देख लो। तो ये रही एनालिसिस, मतलब करेक्ट फ्रीक्वेंसी होगी इनिशियली बी की 305 हर्ट्ज। ये अगर इसमें कोई परेशानी हुई हो समझने में तो वही चीज मैं यहां पे दोहरा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हेर फेर है डेटा का। देखो फॉर ए इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, फॉर बी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, बीट फ्रीक्वेंसी इनिशियली जो है वो है 6 हर्ट्ज। बीएफ का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी समझना भैया, कुछ और मत समझ लेना, बीएफ मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। और कह रहे फॉर्क ए की वैक्सिंग कर दी उन्होंने, मतलब फॉर्क ए पर मोम लगा दिया, तो फॉर्क ए पे मोम लगा देंगे अगर तो फ्रीक्वेंसी फॉर्क ए की कम होगी है ना, तो फाइनल जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कह रहे हैं 2 हर्ट्ज। मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वैक्सीन करने से। अब ए की फ्रीक्वेंसी 200 और बीट फ्रीक्वेंसी शुरुआत में है 6 हर्ट्ज, तो बी की दो फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, या तो 206 हर्ट्ज या तो 194 हर्ट्स, 194 या 206, क्योंकि 206 और 200 का डिफरेंस भी 6 होगा, इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है ना, और 194 और 200 का डिफरेंस भी वही 6 होगा। ए की वैक्सिंग करते हैं हमने, मोम लगा दिया इस पे, तो मोम लगाओगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी कम होगी, कितनी ज्यादा वो सब उस पे नहीं जा रहे, पर इतना पता है कि वैक्सिंग करेंगे मोम लगाएंगे फॉर्क पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो कुछ कम करके देखो जरा, चेक करो होता क्या है। 200 से मान लो घट की होगी 198 हर्ट्ज मान लेते हैं। अब इन है तो इन दोनों में से ही कोई करेक्ट, लेकिन कौन है यही चेक करता हूं मैं। बिल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम, क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक इनिशियली बिल्ड फ्रीक्वेंसी 6 थी और घटी हुई है 2, तो बिल्ड फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। मान लो कि वैक्सीन करी तो 2 हर्ट्ज की कम हो गई, 198 हो गई। तो अगर अभी फिलहाल हमारा शक दोनों पे है कि दोनों में से दोनों सही हो सकते हैं, है तो कोई एक ही, 206 में से 198 घटाओगे, 206 माइनस 198 तो क्या आएगा 8 आएगा, तो ये दे रहा है बिट फ्रीक्वेंसी। अगर आप 206 माइनस 198 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 हर्ट्ज, और 198 में से 194 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज। देखो इधर वैक्सीन के बाद मान ली इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज कम हो गई 198, तो 198 और 206 का डिफरेंस आ गया 8 हर्ट्ज और 194 और 198 का डिफरेंस आ गया 4 हर्ट्ज। हमें वो फ्रीक्वेंसी सही लेनी है जिसकी वजह से बिट फ्रीक्वेंसी कम हो, पहले 6 हर्ट्ज और अभी कितनी है 2, तो यहां दोनों में कम कहां हो रहा है, 6 से घट के यहां तो 8 हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी तो यहां बढ़ रही है, बिट फ्रीक्वेंसी इनिशियली 6 थी और यहां तो घट के 4 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, फॉर बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, ये है 194 हर्ट्ज। देख लो बहुत पॉपुलर कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, बहुत बार बहुत किताबों में हर जगह पुराने जे की पेपर में भी आपको ये दिख जाएगा। चलिए तो बीट फ्रीक्वेंसी पे का क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से वीडियो पास करके इसे नोट कर लिया। आइए सोल्यूशन की बात करते हैं अपन, चाहे तो आप वीडियो पास करके आप पहले अटेम्प कर लें उसके बाद का सोल्यूशन देखें। ध्यान दें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड बोथ एंड वाला केस है, ओवर हैंगिंग वेट है डब्ल्यू, कुछ भी बोल दो, और ये एक फॉर्क इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है 300। कह रहे हैं वेट बढ़ाते हैं अगर स्ट्रिंग में, ये वेट जो ओवर हैंगिंग है ये वेट बढ़ाते हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो पहले 6 हर्ट्ज थी बाद में हो जाती है 2 हर्ट्ज,
तो वही पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग की इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी। देखो फॉर्क और स्ट्रिंग, ध्यान दीजिए क्या बोला हमने, वेट बढ़ाते हैं अगर ये डब्ल्यू जो ओवर हैंगिंग वेट ये बढ़ाते हैं तो बिल्ड फ्रीक्वेंसी घट के हो जाती है 2 हर्ट्ज, है ना। स्ट्रिंग में एंथ ओवर टोन की फ्रीक्वेंसी होती है एनवी अपॉन 2L, ये निकाल चुके हैं अपन, है ना। ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स दैट बोथ एंड्स वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया एन बाई 2L और वेलोसिटी तो अंडर रूट टी बाई न्यू। आप ध्यान दें फॉर की फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज और इनिशियली बिल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 हर्ट्ज, मतलब श्योरिटी है कि या तो स्ट्रिंग की इनिशियली होगी 306 या 294। तो स्ट्रिंग की दो फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं फिलहाल 306 हर्ट्ज और 294 हर्ट्ज। इन दोनों में से वो हमें चूज करनी है ताकि बाद में बिल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो, यहां पे कम हुई इक्वेशन के मुताबिक 2 हर्ट्ज हुई है। अगर हम वेट डब्ल्यू बढ़ाते हैं, वेट अगर बढ़ाएंगे यहां पे, वेट अगर इंक्रीज करेंगे तो टेंशन इंक्रीज होगा, टेंशन जो भी आएगा वेट की वजह से आएगा, तो वेट अगर बढ़ाओगे ये तो टेंशन बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ये क्लियर पॉइंट, मतलब यहां पे स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कितनी दाद कितनी इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये हिंट काफी है अपने लिए कि वेट बढ़ाएंगे तो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, हमें मान लो कि फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज बढ़ी, मान लो तो 306 से बढ़ के हो गई 308 हर्ट्ज या फिर 294 से बढ़ के हो गई 296 हर्ट्ज। याद रहे स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है लेकिन क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक बिल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, 6 से घट के हो गई 2 हर्ट्ज। अब देखते हैं कि कम कौन सी केस में मिलता है आपको। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लिए 308 माइनस 300 ये आ जाएगा 8 हर्ट्ज और 300 माइनस 296 ये अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज। सही इन दोनों में से वो फ्रीक्वेंसी है जो बिल्ड फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा। तो ध्यान दो अगर 306 करेक्ट होता तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि बिल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 8 हर्ट्ज, जबकि बिल्ड फ्रीक्वेंसी 6 से घट के 2 होनी चाहिए, घटनी चाहिए। और अगर 294 करेक्ट आंसर होता तो फिर देख रहे हो कि बिल्ड फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, पहले 6 थी और अब घट रही यहां पे 4, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है, ये फ्रीक्वेंसी अगर सही होगी स्ट्रिंग की शुरुआत में तो ही बिल्ड फ्रीक्वेंसी वेट बढ़ाने पे कम होगी। क्लियर पॉइंट। तो ये बिल्ड फ्रीक्वेंसी के ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बिल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट फॉर्मूला है दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का, तो इसे डायरेक्ट ना पूछ के उनसे पूछे कि अंदाज हो सकते हैं इस तरीके के हो कि फॉर्क की फाइलिंग कर दी, कभी फॉर्क की वैक्सिंग कर दी या फिर स्ट्रिंग्स वाले में वेट बढ़ा दिया, इस तरीके से कुछ भी। तो चलिए अब ये थोड़े कुछ छोटे से इलस्ट्रेशंस थे ताकि आपको बीट्स का थोड़ा सा फील आ जाए। अब हम बात करते हैं बीट्स के ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की, तो आप चाहे भी वीडियो पॉज करके नोट कर लें और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सवाल क्या होगा तो आपका भी करेक्ट आंसर 294 ही आया होगा। अब एक थोड़ा सा ग्राफिकल सेशन भी कर लिया अपन बीट्स का तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो S1 जो सोर्स है इससे जो वेव आई वो उसकी इक्वेशन ए साइन ओमेगा 1t प्लस K1x, ये वेव जनरेट करी S1 ने जो शुरू में देखा अपन ने। S2 सोर्स ने जनरेट करी वेव ए साइन A1A2 जो ले लो ए साइन, हाँ A1A2 लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा 2t प्लस K2x। A1 बराबर A2 बराबर ए ले लो तो एनालिसिस थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, एम्पलीट्यूड सेम कर दिया मैंने एनालिसिस को थोड़ा इजी रखने के लिए। अब ध्यान दीजिए एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगे तो ओरिजिन मतलब x बराबर 0 रख दोगे आप तो y बराबर y1 प्लस y2,
y1 पहले वाले से, ये y1 y2 जहां पर भी तो रीजन पे बात करोगे तो x is equal to 0, इसे का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आ जाएगा a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t, तो y is equal to आ गया a, a कॉमन कर दें तो ये आ गया sin ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, तो y इज इक्वल टू आ गई वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब इससे आप ले सकते हैं 2, 2 को बाहर लिख देता हूं मैं, 2 cos a माइनस बी बाई 2 मतलब ओमेगा 1 t माइनस ओमेगा 2 t बाई 2 मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी बाई 2 मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 ये। अब ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 बाई एफ 1, ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2 बाई एफ 2, ध्यान से रखें कोई कमाल की चीज नहीं है, जो ग्राफ्स आपको किताबों में मिलते हैं लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो पढ़ने के दौरान, तो छोटी सी चीज है वो ध्यान से देखते जाना। अभी तक क्या करा मिलते, दो वेव्स थी इसमें S1 S2 से जनरेट हुई, P वाले ओरिजिन वाले पार्टिकल पे मैंने इंटरफेरेंस कंसिडर करी, ओरिजिन का पार्टिकल लिया तो एक्स और एक्स जीरो हो गया दोनों में, थोड़ा सा आसान पड़ा ये साइन ए प्लस साइन बी पे से तोड़ दिया मैंने, तो यहां से रख दोगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ 1, ध्यान देना ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ 1 ओमेगा 2 इज इक्वल 2 पाई एफ 2, मतलब ये आ जाएगा 2a cos 2 पाई 2 पाई 2 पाई एफ 1 2 पाई एफ 2 2 पाई निकाल दूं मैं, तो आ गया एफ 1 माइनस एफ 2 बाई 2 इंटू t और sin 2 बाई, यहां पे 2 बाई एफ 1 2 बाई एफ 2 2 बाई बाहर निकाल दोगे अगर, ये आ जाएगा एफ 1 प्लस एफ 2 बाई 2 इंटू टी, ध्यान देना इसे आप इस इक्वेशन को ट्रीट कर सकते हैं आप एक एसएचएम की जैसा, जैसे ए साइन ओमेगा टी की जैसा, ये वाला टर्म जो है इसे कंसिडर कर लो एम्पलीट्यूड, और वो तो यहां ध्यान दें ये है पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, मतलब इसे यूं कह सकते हो कि कंसिडर इट एज एन एसएचएम, कंसिडर इट एज एसएचएम वेयर पार्टिकल फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल फ्रीक्वेंसी इज एफ वन प्लस एफ टू बाई टू, मान जैसे कि ए साइन ओमेगा टी कुछ ऐसा फॉर्मेट होता था आपका एसएचएम का, तो कुछ मान लो कि ये एसएचएम का फॉर्मेट है मैं जाऊंगा जिसमें ये पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड, किस फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता रहेगा, वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंट नहीं है, है ना, वो भी टाइम डिपेंडेंट है पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड इज एफ वन माइनस एफ टू बाई टू, क्लियर है पॉइंट, बिट्स ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए, है ना, तभी अपन समझ सकते हैं कि बिट्स हुआ वहां पे, मैक्सिमा सलाह दे रहे हैं, तो मान लो कि एफ वन जो है वो है 51 हर्ट्ज और एफ टू जो है वो है 49 हर्ट्ज, अब बड़ा फील कीजिए कि F1 प्लस F2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 51 प्लस 49 बाई 2 100 बाई 2 50 आ जाएगी वैल्यू, और F1 माइनस F2 बाई 2 तो 51 माइनस 49 आ गया तो 2 बाई 2 आ गया 1, आप ध्यान से मैंने बोला कि आप इसे ट्रीट करो कि ये A साइन ओमेगा टी जैसा एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी रही F1 प्लस F2 बाई 2 और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड भी ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे हो रही वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन माइनस एफ टू बाई टू,
ब्रीड्स के लिए दोनों सोर्सेस के बीच में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 के बीच का ये डिफरेंस चाहिए। तो मैंने दो के डिफरेंस की दो फ्रीक्वेंसी ले ली, एक लिया 51 हर्ट्ज, एक लिया 49। डिफरेंस लोगे तो 2 हर्ट्ज 10 के अंदर ही है। अब आप देख लीजिए कि ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1+F जो मैंने माना अभी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 और एम्पलीट्यूड कितनी है 1। मतलब जब तक एम्पलीट्यूड का एक ऑसिलेशन पूरा होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यूज का एक ऑसिलेशन पूरा होगा, पार्टिकल के 50 ऑसिलेशन हो चुके होंगे। पार्टिकल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 50 हर्ट्ज। इसलिए किताबों में एक डायग्राम बड़ा पॉपुलर है जो मिलेगा आपको बना हुआ, कि एम्पलीट्यूड का पार्टिकल ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, इसलिए मैं दोनों साइड दिखा रहा, साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, इसलिए दोनों दिखा रहा हूं। एम्पलीट्यूड का जब तक एक ऑसिलेशन होगा तब तक पार्टिकल के 50 ऑसिलेशन हो चुके होंगे ये, तो ये वाला ग्राफ मिलता है आपको ये बना हुआ। मैथमेटिकली तो ग्राफ ये प्लॉट कर ही सकते हैं अपन, लेकिन इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस देखो कि जब तक एम्पलीट्यूड का एक ऑसिलेशन पूरा हुआ तब तक पार्टिकल ने अपने 50 ऑसिलेशन कर लिए। तो ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बीट्स का। तो जो ऊपर वाला ओ इनवेलप है वो किसके लिए है, एम्पलीट्यूड के लिए, और ये बार बार जिक्र करके दिखा रहा हूं ऊपर नीचे, ये किसके लिए, ये पार्टिकल्स के लिए है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन किताबों में सिलेबस का पार्ट है ये, तो क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट जो भी चीज है क्वेश्चन उस पर कभी ना कभी जरूर बनेगा, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। तो आई होप कि बीट्स का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरे थ्योरेटिकल एनालिसिस करी, न्यूमेरिकल जरिए आपको समझाने की कोशिश करी, और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारा मैंने यहाँ पे। तो आई होप कि सबको समझ में आया हो, किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।